अगर उस सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा और समय लगेगा, बढ़ते रहे जो संघर्ष है ये एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। लाइफ में कर क्या रहे हो यार तुम, एक डायरेक्शन के पीछे तो भागो, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक IIT जेईई नीट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटर करता हूं। चलो मेरा जो इंट्रो है वो कभी और सुन लेना, किसी और वीडियो में सुन लेना, आज फिर से एक 1-to-1 टॉक करना है तुम्हारे साथ और इसकी बहुत जरूरत है तुम्हें, क्योंकि आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आज मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पेन कॉपी ले आओ या फिर मैं तुम्हें कोई चैलेंज देने वाला हूँ, चैलेंज तुम्हें फॉलो करना है, नहीं। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ 5 से 10 मिनट आप मेरी आज बात सुन लेना, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, मेरी खुद की एक लाइफ स्टोरी है जिसने कि मेरी लाइफ पूरी बदल दी, वो स्टोरी मैं आज आप सबको सुनाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th, क्लास 12th, IIT जेईई नीट, UPSC, CAT या किसी भी एग्जाम की, तो ये जो स्टोरी है शायद ही आपकी लाइफ बदल दे और आपको एक डायरेक्शन दे दे कि भागना किस तरह से है। फिर आखिरी में भागना तो देखो तुम्हें ही है, बट एक डायरेक्शन आपको आज मिल जाए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना, स्पीड मत इंक्रीज करना वीडियो की, और इसी स्पीड पे और विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट आपको पूरी वीडियो ये देखनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी यार मेरी खुद की, मेरी 11th क्लास, आज से अराउंड 4 या 5 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी 11th क्लास के अंदर था। तो यार जब मैं अपनी 11th क्लास के आया ना, तो इंडिया का एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है IIT JEE, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था अपनी 11th क्लास के। तो क्या हुआ ना कि यार मैं स्कूल भी जाता था एंड मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, और जैसे ही मैंने उस कोचिंग के अंदर एडमिशन ले लिया ना, मुझे पता चला यार कंपटीशन तो बहुत हाई है और यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, एक अलग ही दुनिया है, सब कुछ अलग है। स्कूल के टाइम पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ही मैं बहुत ज्यादा टॉपर था, ना ही मैं बहुत बेकार था, मैं एक एवरेज कैटेगरी में आता था। एंड जब मैं कोचिंग में गया तो मुझे पता चला भाई इधर तो एक अलग ही दुनिया चल रही है, यहाँ पर तो सब टॉपर बैठे। उसके बाद पता क्या हुआ, मैं अपने स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था प्रॉपरली। एंड हमारे कोचिंग के अंदर ना हमें DPP मिलती थी, जिनको DPP नहीं पता वो होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या होता है ना, आपको डेली 40 से 50 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करके लाने के लिए, और मैंने अपनी पूरी 11th के अंदर कभी भी वो DPP सॉल्व नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं खुद को बहाने देता रहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, कैसे मैनेज होगा, टीचर खराब है, समझ नहीं आता, बेकार कोचिंग है, घटिया कोचिंग है, इतने पैसे लेते हैं फिर भी अच्छा नहीं पढ़ाते। मैं खुद को 100 रीजन देता था और रात को सो जाता था, कहते कितना पढ़ के क्या ही करना है, सिलेक्शन तो होना नहीं है, खुद को 100 रीजन दिए और फिर मैं सो गया। ऐसा काफी टाइम से मैं करता रहा और मेरी ऑलमोस्ट पूरी 11th ऐसी चलती रही। भैया बट आप ये हमें क्यों बता रहे हो, इससे तो हमें डिमोटिवेशन और फील हो रही है। अरे रुक जाओ, अभी पूरी बात सुन ना, अभी तुम्हें बता रहा हूँ मैं किस पॉइंट पे तुम्हें ला रहा हूँ। 11th के एंड की बात है, एक दिन ऐसा हुआ कि यार मैं क्लास के अंदर गया और अपना मैं बैग लेके क्लास के अंदर गया, और मैं थोड़ा लेट था क्लास में, और मैं जैसे ही क्लास के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बैक बेंच पे, जो बैक बेंचर होता है, मैं हमेशा से पीछे की बेंच में बैठना प्रेफर करता था, तो जो पीछे की बेंच है उस पर हमारे टॉपर भैया, हमारे जो पूरी क्लास के टॉपर थे, जो पूरी कोचिंग के टॉपर थे, वो आज पीछे बैठे हैं। उनको मैं टॉपर भैया, पूरी क्लास उनको टॉपर भैया ही बोलती थी। तो उनको देखा एंड मैं शॉक, मैंने कहा कि यार आज टॉपर भैया कैसे पीछे बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड, मैंने कहा कि यार आज तो टॉपर भैया के बगल में बैठेंगे और उनसे सीखेंगे कि यार ये इतनी अच्छी रैंक, रैंक 1, रैंक 2 कैसे लाते हैं, इतने नंबर आखिर कैसे लाते हैं। तो मैं गया, मैं आराम से गया इनके साइड में जाके बैठ गया, मैंने पूछा हाँ भाई टॉपर भैया आज कैसे मतलब पीछे। तो कह रहा था कि यार उन्होंने मुझे बताया कि आज बस थोड़ा सा लेट हो गया तो आगे सीट नहीं मिली तो पीछे आ गया। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है, आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज। फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती, और पहली क्लास थी DPP सॉल्विंग क्लास, वो जो मैंने आपको बताया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मिलती थी, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, उसकी क्लास होती थी, उसको डिस्कस करते थे। तो पहली क्लास उसी की थी। अब मैं अपनी DPP खोलता हूँ, मैंने तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा होता, और मैं चौंक जाता हूँ साइड वाले टॉपर भैया की शीट देखकर, क्योंकि उन्होंने भी सॉल्व नहीं करा था। एंड देन मैं शॉक हो सोचने लगा, यार ये तो रैंक 1 रैंक 2 लाता है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आया, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे फिर लगा यार जो मैं सोचता था बिल्कुल मैं सही सोचता था कि टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मुझसे कैसे हो जाएंगे, ये भी स्कूल जाता है, ये भी कोचिंग आता है, तो इसके पास भी टाइम नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उन टॉपर भैया से बोला, मैंने कहा यार DPP सॉल्व नहीं करी, बोला नहीं नहीं करी। मैंने कहा कि हाँ यार मुझे लगा ही था कि ये टीचर खराब है, कोचिंग खराब है,
टाइम नहीं मिलता, स्कूल कोचिंग होता है, तो कैसे कर पाएंगे यार? अपनी ये प्रॉब्लम नहीं समझते, डेली हमें 100-100 क्वेश्चन दे देते हैं, 100 क्वेश्चन कैसे करेंगे यार, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, वो ही नहीं मिलता। मैं अपना पूरे दुख दर्द सुनाने वहां पर बैठ गया, एक दो मिनट तक मैं टॉपर भैया को अपने दुख दर्द सुनाते रहा कि ये है वो है ये है वो है, तो कैसे कर पाएंगे हम। टॉपर भैया ने रिएक्ट नहीं करा मेरी बात, और उसके बाद जो उन्होंने लाइन बोली उसने मुझे बदल दिया, मेरी लाइफस्टाइल को बदल दिया, मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, और शायद ये आपको भी बदल। तो टॉपर भैया बोलते हैं कि यार टीचर की गलती नहीं है, टीचर सबको सेम पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार टीचर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, डीपीपी करनी इंपॉर्टेंट है, तो जितने वो क्वेश्चन देते हैं वो सब कुछ अपने लिए अच्छी चीज है, तभी जाकर सिलेक्शन हो पाएगा, वरना कोटा में इतने बच्चे इतना ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, उनसे अपन कैसे कॉम्पीट करेंगे। एंड जो मैं आज डीपीपी नहीं करके आ पाया हूं, वो इस वजह से नहीं करा है क्योंकि कल मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, एक गेम जो मैं खेलता हूं फोन में उसको मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा खेल लिया, और उसकी वजह से मैं ये डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाया। बट आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, जो भी मैं अदर एक्टिविटीज करता हूँ खेलने जाने वगैरह की, उसमें से 1 घंटा कट डाउन करके आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा और इसको खत्म करूंगा। ये सुन के मैं एक तो शॉक हो गया और मैं चुप हो गया, क्योंकि उस दिन मुझे एक बात ऐसी समझ में आई जो कि ध्यान से समझना आप। खैर, जिंदगी में दुख सबके हैं, आपके दुख अलग है, आपको शायद लगता होगा आपके टीचर खराब है, डीपीपी खराब है, टेस्ट खराब है जो आप टेस्ट दे रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स शायद आपको उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, शायद आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, आप इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कैसे कॉम्पीट करोगे, शायद आप बचपन से एवरेज रहे हो, अचानक से टॉपर कैसे बन जाओगे, आपकी जिंदगी में 100 दुविधा हो सकती है, 100 दुविधा, और सबकी जिंदगी में है, उस टॉपर बच्चे की भी थी। बट उसने ये सिखाया कि यार अगर तेरी जिंदगी में 100 दुविधा हैं, 100 प्रॉब्लम हैं, तो उनके 100 सोल्यूशन निकाल, और उससे पहले उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर, उन प्रॉब्लम को मान कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना एक दूसरे को प्रॉब्लम देते रहते हैं, यार मैं आज इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि स्कूल में ज़्यादा टाइम खराब हो गया, कोचिंग में ज़्यादा टाइम खराब हो गया, फिर मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला। अरे खुद को पागल बना रहा है तू, किसी और से जूझने दे, अपने पेरेंट्स को तो बोल सकता है ये सब, बट तुझे भी पता है अंदर से कि तू खुद को पागल बना रहा है, खुद से झूठ बोल रहा है, तू खुद से झूठ बोल रहा है। तो जो गलतियां कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। और उस दिन मैंने ये जाना कि यार जितनी भी गलतियां हम करते हैं, हम दूसरों पे ब्लेम गेम खेलते रहते हैं कि इसकी गलती उसकी गलती इसकी गलती, सबसे पहला काम करो हाँ मेरी गलती, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं डिस्ट्रैक्टेड था इस वजह से नहीं पढ़ पाया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसका रिग्रेट नहीं बनाना, ये नहीं मानना कि हमने पूरा दिन खराब कर दिया, अब से मैं क्या कर सकता हूँ आगे, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब मैं एक पूरा चार्ट प्लानर बना सकता हूँ और उस प्लानर के अकॉर्डिंग आगे बढ़। अब वो जो 2 घंटे खराब कर रहे हैं, उस 2 घंटे को कंपनसेट कैसे करूंगा मैं, वो हमारी जिम्मेदारी। सर ये चीज थी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, एंड इससे शायद मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। आप भी याद रखना यार, दूसरों को गलतियां देना अपनी बहुत आसान है, दूसरों को तुम गलतियां बहुत आसानी से दे दोगे, पेरेंट्स के सामने बोल दोगे टीचर की गलती उसकी गलती इसकी गलती, बट तुम्हारे अंदर वो जो दिल है ना, वो बताएगा तुम्हें कि यार गलती तेरी है दोस्त, और उस गलती को मानो। और अगर उस गलती को मानते हो तो सब के सब आज से एक दृढ़ निश्चय करेंगे, हम एक रेजोल्यूशन लेंगे। क्या रेजोल्यूशन लेंगे? कि आज से अभी से हम अपनी गलतियां खुद मानेंगे और उन गलतियों से रिग्रेट नहीं करेंगे, उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे एंड उनका सलूशन ढूंढेंगे। अगर तुम तैयार हो ये करने के लिए, तो कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे खुद का अंदर से अगर तुम्हारा है मन तो कर लेना, चैलेंज नहीं है। बट अगर तुम सीरियस हो खुद को लेकर, तो आज एक कमेंट छोड़ के जाओ और बोल दो यस आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक, या फिर जो भी आपको लिखना है यस आई विल फॉलो इट, और आज से शुरू करते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे कभी भी, खुद की गलतियां खुद लेंगे और उनका सलूशन निकालेंगे, आज से शुरू करेंगे अभी से। जैसे ही आप ये कमेंट करोगे आपका टाइमर स्टार्ट होता है, और याद रखना आपको ये चीज फॉलो करनी है हमेशा। तो ये थी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी को मैं लास्ट 2 लाइन से खत्म करूंगा, एंड करूंगा, ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। फिक्र करता है क्यों, ध्यान से सुनिएगा, फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, कर ले आज खुद पे भरोसा और फिर देख होता है। याद रखना कि यार गलतियां मानो, खुद पे भरोसा रखो, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, अपना बेस्ट देते चलना है। तो आज से हम सभी के सभी अपनी मिस्टेक खुद मानेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुई है, और ये हमारा कड़वा सच का पार्ट 2 है,
कड़वे सच की एक अलग सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें कि यार मैं आपको एक कुछ छोटे मोटे लाइफ लेसन जो कि मैंने अपनी लाइफ में सीखे वो एक अलग अंदाज में एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको सुना रहा हूँ। वैसे एक पार्ट वन भी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए चैनल, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा लाल बटन दबा दो, लाल बटन दबा दो, नहीं। बट एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो चीज़ ये है कि यार अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हमारा एक छोटा सा गोल है, एक मोटिव है यार इंडिया के अंदर एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाता, इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। यार बस ये है कि यूथ को एजुकेशन की तरफ मोटिवेट कर पाएँ, और वो मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप सभी ने आज यार 500 के सब्सक्राइबर पूरे करा दिए, शुक्रिया। वैसे नंबर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी क्योंकि आपने करवाया तो इसका सरप्राइज आपको 2 से 3 दिन में मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत बड़ा सरप्राइज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।